हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर टेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों आज हम आपको चैप्टर टेन को एक्सप्लेन कराएंगे जो आपकी बुक से इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया गया है तो चलिए स्टार्ट कराते हैं फर्स्ट टॉपिक आता है टीशू टिशू होते है भाई टीशू जो होता है वो एक ग्रुप होता है सेल्स का ठीक है बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं ए ग्रुप ऑफ सेल्स मोस्टली ऑफ सिमिलर टाइप्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस मतलब भाई सेल्स का बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती है और जो वो सेल्स होती हैं उनके वो सेम टाइप की होती हैं और सेम फंक्शन होते हैं यानी कि एक जैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है और एक जैसा उनका फंक्शन होता है ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक एन ऑर्गन और जो टिश्यूज़ होते हैं उनका ग्रुप मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि हमारे प्लांट्स में आते हैं टिश्यू जयलम एंड फ्लोएम आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ प्लांट टिश्यू भाई प्लांट टिश्यू के ये एग्जाम्पल हैं जायलम और फ्लोएम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्क्यूलर टिश्यू भाई इसमें आपको प्लांट टिश्यू के भी एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं और एनिमल टिश्यू के भी एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं तो प्लांट टिश्यू में आपके जाइलम और फ्लोएम एक्सप्लेन किए गए हैं और एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू को एक्सप्लेन किया गया है तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट uh, सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ठीक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ यूज टू मूव इम्पोर्टेंट सब्सटेंसिस फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनादर मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है कब जब इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का मूवमेंट एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में होता है तो ये सिस्टम आपका वेस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है जो हायर प्लांट्स होते हैं मतलब उच्च कोटी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जयलम और फ्लोएम होता है वेसिकुलर सिस्टम में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम जाइलम क्या काम करता है जाइलम ट्रांसपोर्ट वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी भाई जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वॉटर और मिनरल्स को किसके द्वारा सोयल यानी कि फ्रॉम सोयल सॉयल से किसके द्वारा करता है रूट्स के द्वारा क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और जब हम किसी भी प्लांट को पानी देते हैं तो उसके रूट्स में देते हैं और रूट्स से रूट्स से ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि प्लांट्स में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको जाइलम कहा जाता है और फ्लोएम कहा जाता है जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को नेक्स्ट हेडिंग आती है फ्लोएम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड भाई फ्लोएम क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड का जो कि लीव्स में फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम ट्यूब फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी कि प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें फूड बनता है और उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है फ्लोएम करता है नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सोलवेंट डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय ए सेमी परमीएबल मैम्रेन ऑस्मोसिस ओस्मोसिस क्या होता है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट बाई सोलवेंट मोलिक्यूल्स का मूवमेंट जब डायलूट से कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर होता है ठीक है तो ये ऑस्मोसिस कहलाता है और ये इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है सेमी परमिएबल मैमब्रेन नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्रांसपाइरेशन लॉस ऑफ वॉटर यानी कि ट्रांसपाइरेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ वॉटर पानी की कमी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यानी कि वाटर वेपर के रूप में पानी की जब कमी होती है ठीक है थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनसे तो वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है आप सुबह सुबह के टाइम अगर हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो उनकी जो लीव्स होती हैं उन पर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं ठीक है ठीके? एक वास्प वॉटर वेपर के रूप में पानी क्या होता है कमी होनी उसकी शुरू हो जाती है तो वो ट्रांसपाइरेशन कहलाता है नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रांस प्रिपेयर्ड फूड फ्राम फ्लोएम डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन बाई ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो कि जो भोजन लीवस में प्रिपेयर हुआ है फ्लोएम के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करता है ये आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स बाई एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसिस कैसे होता है प्रोसेस क्या है डिफ्यूज़न और प्लांट्स में क्या होता है ओसमोसिस ध्यान रखना कि प्लांट्स में ओसमोसिस होता है और एनिमल्स में डिफ्यूज़न होता है नेक्स्ट हेडिंग आती है डिफ्यूज़न इन द लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम वेहर द सिंगल सेल डज द फंक्शंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न बट डिफ़्यूज़न वो प्रोसेस होता है जिसमें निम्न कोटि के जो एनिमल्स होते हैं यानी कि लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबा है पैरामीशियम है ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और इनका जो काम होता है वो फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा और किस प्रोसेस से डिफ्यूज़न प्रोसेस से नेक्स्ट हेडिंग आती है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है सबसे पहले आता है ब्लड ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ टिश्यू भाई जो ब्लड होता है वो एक टाइप होता है टिश्यूज़ का दैट इज़ फ्लूड इज फ्लूड इन नेचर भाई कैसा होता है कैसी नेचर होती है उसकी फ्लूड होती है फ्लूड मतलब बहाव होता है उसमें बहने वाला होता है इट फ्लोज थ्रू ट्यूब ट्यूब कार्ड ब्लड वेसल्स भाई जो ब्लड होता है इसका जो बहाव होता है वो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर -like में होता है जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है ब्लड इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी सेल्स जो ब्लड बना हुआ होता है वो बहुत सारी संख्या में सैकड़ों की संख्या में जो पतली पतली सेल्स होती हैं जो कि वाटरी लिक्विड की तरह तैरती हुई दिखाई देती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है उनसे बनता है आगे आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड फंक्शंस ऑफ ब्लड फर्स्ट देखिए न्यूट्रिएंट्स टू बी कैरिड टू ऑल द बॉडी सेल्स यानी कि जो हमारी बॉडी सेल्स होती है हमारी बॉडी सेल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको क्या करता है कैरी करता है कॉन ब्लड ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स फॉर रेस्पायरेशन भाई रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है यानी कि ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें नेक्स्ट आता है ब्लड क्लोटिंग केमिकल्स टू रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी नंबर थर्ड है बॉडी के अगर किसी भी पार्ट में हमें चोट लगती है या हमारा कोई आ, 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 पार्ट कट जाता है और वहाँ से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है तो ब्लड क्या काम करता है ब्लड का क्लोट बनता है केमिकल केमिकल्स के द्वारा यानी कि प्लाज्मा प्लेटलेट्स के, प्लाज्म, प्लेट के द्वारा जिससे ब्लड का थक्का बन जाता है और हमारा जो ब्लड का जो बहाव है वो रुक जाता है नेक्स्ट आता है एंटीबॉडीज़ टू किल जम्स बाई एंटीबॉडीज़ का काम करता है जो कि जम्स को मारने का, का काम करता है आगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड बाई ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसमें थ्री टाइप्स की सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स होती हैं जिनके नाम क्या है रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स को आर बी सी वाइट ब्लड सेल्स को एस कहते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स पे आ जाइए ब्लड वेसल्स आर द थ्री टाइप्स भाई जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं फर्स्ट एरिट्रीज सेकेंड इज वीन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज अब आता है एरिट्रीज और वीन्स में डिफरेंस ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एरीट्रीज और वीन्स में डिफरेंस ये मैंने आपको नोट्स में भी कराया हुआ है आगे आते हैं फर्स्ट पॉइंट है एरीट्रीज में दे हैव थिक इलास्टिक वॉल वोल्, वॉल्स भाई जो एरीटरीज होती हैं उनकी जो लेयर होती है वो मोटी होती है और इलास्टिक वॉल्स होती है और वीन्स जो होती हैं वो पतली होती हैं ये नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं आगे एरीट्रीज़ क्या करती है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भाई ये ब्लड को कैरी करती हैं हर्ट से और कहाँ पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज देती हैं और वीन्स क्या काम करती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और कहाँ पर भेज देती हैं हर्ट में वीन्स का जो वर्क है वो जस्ट अपोजिट है एरीट्रीज़ के आगे आ जाइए एरीट्रीज़ का थर्ड पॉइंट देखिए दे कैरी ऑक्जीनेटिड ब्लड भई जो एरिट्रीज़ होती हैं वे ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं मतलब शुद्ध ब्लड को एक्सेप्ट द पल्मोनरी एरिट्रीज़ और उनमें पल्मोनरी एरिट्रीज़ भाग नहीं लेती वीन्स जो होती हैं ये डी ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी एरीटरीज शायद वीन्स हो सकता है पल्मोनरी वीन्स होगा आप एक बार चेक कर लेना बच्चों तो जो इसमें क्या होता है डिओग्जिनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं छोड़कर किसको पल्मोनरी वीन्स को आगे आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी हर्ट हर्ट द ह्यूमन हर्ट इज ए होलो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर भाई जो ह्यूमन हर्ट है वो एक होलो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि लोकेटेड होता है इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रजेंट होता है इन बिटवीन टू लंग्स और ये भी दो लंग्स के बीच में जो इट्स लोअर कॉनिकल एंड स्लाइटली स्लाइटली टाइट टूवर्ड्स द लेफ्ट यानी कि ये दो लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड पर प्रजेंट होता है इन एन एवरेज ह्यूमन लाइफ टाइम टू टाइम द हर्ट बीट्स कितने टू पॉइंट फाइव बिलियंस भाई जो ह्यूमन का जो जीवन है मनुष्य के एक जीवन में जो ह्यूमन का जो हर्ट बीट होता है वो टू पॉइंट फाइव बिलियंस मतलब इतनी बार वो धड़कता है एवरेज टाइम है ये आगे द हार्ट इज मेड ऑफ कार्डिक मसल्स एंड हैज़ टू सेट्स ऑफ पंपिंग चैम्बर लेंग साइड बाय साइड भाई जो ह्यूमन का जो हर्ट होता है वो कार्डिक मसल्स का बना हुआ होता है और उसमें दो सेट्स होते हैं पंपिंग चैम्बर के साइड बाई साइड आगे ईच सेट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर टाइप स्मॉलर अपर चैम्बर भाई उसमें क्या होता है जो प्रत्येक सेट होता है उस वो बना हुआ होता है एक तो इस एक तो छोटे अपर चैम्बर होता है जिसमें एट्रियम एंड लोंगर एंड मोर मस्कुलर लोअर चैम्बर मोर मसल्स होती हैं यानी कि मस्कुलर मसल्स होती हैं इसमें जो लोअर चैम्बर होता है उसमें वेंट्रिकल होते हैं अपर चैम्बर में एट्रियम होता है लोअर चैम्बर में वेंट्रिकल होते हैं द टोटल द ह्यूमन हर्ट हैज़ फोर सेपरेट चैम्बर और जो ह्यूमन का जो हर्ट होता है उसमें टोटल चैम्बर uh, जो होते हैं वो फोर होते हैं आगे हर्ट बीट हर्ट बीट क्या होती है द रेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट भाई रे कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिलैक्सेशन हार्ट का वो क्या कहलाता है हर्ट बीट कहलाता है ठीक है कॉन्ट्रैक्शन द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज सिस्टोल जो कॉन्ट्रेक्शन फ़ेज़ होती है उसको सिस्टोल कहा जाता है और जो रिलैक्सेशन फ़ेज़ होती है उसको डायस्टोल कहा जाता है जो नॉर्मल ह्यूमन हर्ट बीट होती है वो एक मिनट में सत्तर से बहत्तर यानी कि सेवेंटी से सेवेंटी टू पर मिनट बीट करती है नेक्स्ट आ जाइए डॉक्टर्स यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट द स्टेटोस्कोप टू लिसन द हर्ट बीट भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेटोस्कोप स्टेटोस्कोप का यूज करते हैं पल्स क्या होती है द रेथेमिक ट्रबिंग मूवमेंट ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द एरिटरीज इज कॉल्ड पल्स भाई पल्स वो होती है यानी कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ब्लड का जो फ्लो होता है एरिट्रीज़ में समझ में आ रहा है भाई एरिट्रीज़ में ब्लड का जो फ्लो का मूवमेंट है वो किस में होता है पल्स में होता है पल्स रेट क्या होती है पल्स रेट इज़ ए नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट मतलब कि एक मिनट में जो पल्स होती है वो कितनी बार कितने टाइम मतलब कितनी बार बीट करती है वो पल्स रेट कहलाती है द पल्स रेट इज़ द सेम एज द रेट ऑफ हर्ट बीट जो पल्स रेट होती है वो हर्ट बीट के सेम होती है, मतलब हर्ट बीट की तरह ही बीट करती है सेम होती हैं दोनों हार्ट बीट भी और पल्स बीट पल्स बीट भी आगे सेवेंटी से सेवेंटी टू पर मिनट होती है कितने किसमें मतलब परमिनेंट होती है सत्तर से बहत्तर बार बीट होगी द मोस्ट कॉन्वेंट प्लेस टू फील पल्स इज द रिस्ट स भाई वो पार्ट कौन सा है वो स्थान कौन सा है जिसमें हम पल्स को फील कर सकते हैं वो होती है रिस्ट रिस्ट मतलब कलाई जो हमारी कलाई होती है ना उसको उसे जब हम छूते हैं तो हम पल्स रेट को महसूस कर सकते हैं आगे एक्सक्रेशन इन एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबोलिक वेस्ट फॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन बाई वो प्रोसेस जिसमें मेटाबोलिक रिम, वेस्टिज रिमूव होता है बॉडी से क्या कौन सा प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रेशन कहलाता है सेम ऑफ द वेस्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ वेस्टिज होते हैं सम ऑफ द वेस्टज आर कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर यूरिया साल्ट एंड यूरिक एसिड भाई कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वोटर है यूरिया है साल्ट है एंड यूरिक एसिड है बच्चों मैंने एम में एक क्वेश्चन था वेस्ट मटीरियल का ही था उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा आ, एक्सक्रेशन मतलब एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल नहीं है तो उसमें वो ऑप्शन गलत हो चुका था उसे आप ठीक कर लेना मैंने जो पोर्टल पे डाला हुआ है वो ठीक कर दिया है आप उसे एक बार ठीक कर लेना आगे आता है द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स द मेन ऑर्गनस ऑफ एक्सक्रेशन इन ह्यूमन्स बाई जो ह्यूमन्स का एक्सक्रेशन होता है एक्सक्रेशन होता है उसमें निम्न ऑर्गन जो है वो पार्ट लेते हैं किडनी स्किन लीवर एंड लंग्स सबसे पहले आता है किडनी द किडनी आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेशन बाई एक्सक्रेशन प्रोसेस का जो ऑर्गन मेन ऑर्गन है वो किडनीज है ठीक है थ्रू विच नाइट्रोजिनस मेटाबोलिक वेस्टेज आर एलिमिनेटेड जो बॉडी से नाइट्रोजिनस मेटाबोलिक वेस्टेज जो होते हैं उनको एलिमिनेट करती है ठीक है आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म किसकी फॉर्म में यूरिन की फॉर्म में दे दे फॉर्म पार्ट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज और वो दे फॉर्म पार्ट को किस फॉर्म में मतलब किस पार्ट में ठीक है यूरिनरी सिस्टम यानी कि ये सिस्टम क्या कहलाता है यूरिनरी सिस्टम कहलाता है और इस सिस्टम में फ़ोन फोर मेन पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पहला किडनी सेकंड यूरेटर्स थर्ड यूरिनरी ब्लेडर एंड फोर्थ यूरेथ्रा यानी कि जो फिल्ट्रेशन यानी कि एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में उसमें उसे यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं और उसमें फ़ोर मेन ऑर्गन्स पार्ट भाग लेते हैं किडनी यूरेटर्स यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा आगे है किडनी कंटेन अबाउट वन मिलियंस टिनी फिल्टर यूनिट्स इज़ कार्ड नेफ्रोन भाई जो किडनी होती है वो बनी हुई होती है एक से वन मिलियंस टिनी फिल्टर यूनिट्स की बनी हुई होती है और एक यूनिट्स क्या कहलाती है नेफ्रोन कहलाती है नेक्स्ट हेडिंग है द स्किन द स्किन इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स भाई जो स्किन होती है वो भी ब्लड वेसल्स की तरह ही एक वेस्ट मटेरियल को सप्लाई करने का काम करती है द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग इज़ ड्यू टू प्रजेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर इन अवर स्किन हमारी जो स्किन होती है उसमें छोटी छोटी स्मॉल uh, स्ट्रक्चर होती है जिनसे जिनको क्या कहा, कहा जाता है स्वीट ग्लैंड कहा जाता है जिनसे पसीना निकलता है आप देखते हो ना भाई जो हमारी स्किन होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे क्या होता है पसीना बाहर आता है आगे द लीवर लीवर इज़ द बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड भाई जो लीवर है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है इट इज़ ए लोब्ड स्ट्रक्चर कैसी होती है लोब्ड स्ट्रक्चर होती है लेंग जस्ट बिलो द लंग्स लंग्स के ठीक नीचे होती है ठीक है आगे द लंग्स ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ लंग्स भाई ह्यूमन में वन पेयर ऑफ लंग्स प्रजेंट होते हैं बच्चों मैंने आपका ये जो चैप्टर है इसमें आपकी बुक से जो मेन मेन चीज़ें थी वो सभी ली हुई हैं यानी कि आपकी बुक से कुछ भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो आपसे छूटा हुआ हो ठीक है बच्चों अब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे और समझोगे थैंक यू सो मच